हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल फाइव एलिमेंट्स। दोस्तों, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस में क्वाथ यानी काढ़ा काफ़ी बेनिफिशियल फॉर्मुलेशन है। और दोस्तों, ये वर्ड काढ़ा आपने लॉकडाउन में काफ़ी सुना होगा। तो उन बहुत सारे आयुर्वेदिक काढ़ों में से आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वरुण आदि काढ़े की। और दोस्तों, काढ़े को लेकर लोगों के मन में काफ़ी मिसकंसेप्शंस रहते हैं और इस वीडियो में हम उन मिथ्स की भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ तक दोस्तों इसके रेफरेंस की बात है, तो आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के चैप्टर 15 में वरुण आदि क्वाथ का काफ़ी अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है। इसके अलावा आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया में भी इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। दोस्तों, अगर कंटेंट्स का क्योंकि ओवरव्यू लें तो जैसा कि नेम है, इसमें वरुण मेन ड्रग है। इसके अलावा शतावरी यानी एस्पेरेगस रेसिमोसस, चित्रक यानी प्लम्बेगो जेलैनिका, वोक्षुर ट्रेबुलस टेरिस्ट्रिस, पाषाण भेद वर्जीनिया लिगुलाटा, सोंट जिंजिबर ऑफिसिनेल आदि को मिलाकर इसे पाउडर फॉर्म में तैयार किया जाता है। दोस्तों, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है वो है काढ़ा बनाने का तरीका। उसके लिए एक पैन में 3 कप तक पानी डालकर उसमें 5 ग्राम तक काढ़े के द्रव्यों को डालकर उसे उबालें और तब तक उबालें जब तक 3 कप पानी 1 कप ना रह जाए। इसी बीच जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इसे ढकना नहीं है, यानी खुले बर्तन में उबालना है। फिर 1 कप तक उबालने के बाद इसे छान कर गुनगुना होने पर दिन में 2 बार तक खाने के बाद सेवन करें। लेकिन डिजीज़ के अकॉर्डिंग डोज और टाइमिंग चेंज हो सकती है, तो ऐसे में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे बिना इसका सेवन ना करें। दोस्तों, अगर इसका टेस्ट आपको सूट ना करे तो आप उसमें शहद भी डाल सकते हैं, पर डायबिटिक पेशेंट बिना डॉक्टर की सलाह के ऐसा ना करे। दोस्तों, मार्केट में अलग अलग फार्मेसीज का वरुण आदि कषाय भी अवेलेबल है। उसकी डोज 10 से 15 ml विद इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर होती है। पर दोस्तों, हम आयुर्वेद में जहाँ तक पॉसिबल हो मेक फ्रेश ईट फ्रेश विद नो प्रिजर्वेटिव्स को फॉलो करते हैं, तो ऐसे में जहाँ तक पॉसिबल हो आप इसे फ्रेश बनाएं और फ्रेश ही कंज्यूम करें। तो दोस्तों, अब ये काम कैसे करता है इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। दोस्तों, मोड ऑफ एक्शन को हम 2 तरीके से समझेंगे, फर्स्ट आयुर्वेदिक देन मॉडर्न साइंस। तो दोस्तों, आयुर्वेद में वरुण आदि को कफ दोष को कम करने वाला, अग्नि की बात करें तो दीपन पाचन करने वाला मीन्स मेटाबॉलिक स्टिमुलेटर, स्रोतस अवरोध मीन्स विच क्लियर्स माइन्यूट चैनल्स ऑफ द बॉडी। अब दोस्तों, अगर मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग इसके एक्शन को समझें तो सबसे पहले ये डायूरेटिक का काम करता है, विच मीन्स इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम स्टोन्स इन किडनी तो ऐसी कंडीशन में यह काफी बेनिफिशियल है। दूसरा, यह एक यूरिकोस्टेटिक भी है, यानी बॉडी में एक्सेस यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है, विच मीन्स गाउटी अर्थराइटिस जैसी डिजीज में भी काफी बेनिफिशियल है। तीसरा, यह एक एंटी ओबेसिटिक है, यानी वेट लॉस में ड्रग चॉइस है जो कि मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है और फैट सेल्स को फास्टली बर्न करने में बेनिफिशियल है। इसके बाद दोस्तों, चौथा और इम्पोर्टेंट एक्शन है ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल पर, जिसमें यह ब्लड वेसल्स में प्लैग एक्युमुलेशन कम करके एर्थरोस्क्लेरोसिस को स्टॉप करता है, विच मीन्स अल्टीमेटली प्रिवेंट्स कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। इसके अलावा कंडीशंस लाइक एडिमा, लॉस ऑफ एपेटाइट, इनडाइजेशन, गैस, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट जैसी कंडीशन में भी इस काढ़े का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इस काढ़े को पीने से होने वाले साइड इफेक्ट्स की बात करें तो फर्स्टली अगर प्रॉपर क्वांटिटी में लिया जाए तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन एक्सेस डोज में लिया जाए या फिर जिन व्यक्तियों की पित्त प्रकृति हो उन्हें माउथ अल्सर्स, स्टमक अल्सर्स, गैस्ट्राइटिस, ब्लीडिंग पाइल्स, लॉस ऑफ एपेटाइट व एक्सेस थर्स्ट जैसे सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं, तो ऐसे में तुरंत इसे लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। दोस्तों, इस वीडियो में जिन जिन डिजीज़ में हमने इस काढ़े का यूज़ बताया है, अगर आपको उनमें से कोई भी डिजीज़ है तो इसे सेवन करने से पहले अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करें या फिर हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन वरुण आदि काढ़े के बारे में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।